कहते हैं मध्य प्रदेश अजब गजब है। ऐसा ही एक अजब गजब मामला खरगोन जिले के महेश्वर में सामने आया है, जहां पर शिव विवाह के नाम पर एक गाय और बैल का विवाह करवाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महाराष्ट्र के धुलिया जलगांव जिले के 50 गांव के भरवाड़ समाज मालधारी समाज द्वारा समाजजन दूल्हे के रूप में बैल नंद किशोर को लेकर विवाह के लिए दुल्हन नंदिनी गोमाता से विवाह के लिए महेश्वर लेकर आए, जिसकी बारात बैंड बाजे डीजे के साथ धूमधाम से पूरे महेश्वरी नगर की गलियों में बाना घुमाया गया। इस विवाह को शिव विवाह का समाजजनों ने नाम दिया है। यह शिव विवाह दुल्हन गोमाता नंदिनी, जो कि महेश्वर निवासी होकर जिनकी शादी नंद किशोर देवत कारखाना तालुका शिरपुर जिला धुलिया से हुई है। दोनों दुल्हा दुल्हन की उम्र 12 महीने है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अरे यार तुम इधर आओ। करो कोई मुला खा ली नो पब्लिक के अंदर दिया करो उसके बस गुरु भगवान। मैंने ऐसे सोचना था कि मैंने केड़ा केड़ी की शादी कराने सोचा था। जब से गुजरात छोड़ के मैंने आया था उधर से, तो मैंने सब लोग किया था कि मैं महेश्वर अनुष्ठान करूँगा और अनुष्ठान करके मैं केड़ा केड़ी की शादी करूँगा अभिनय करने का। तो केड़ा केड़ी के ऐसे बोल रहे महत्व ऐसे कि पहले ऋषि मुनियों साधु लोग वो भी केड़ा केड़ी की शादी बोल रहे थे। कोई शिव युवा तो शिव युवा वो नहीं है, वो केड़ा केड़ी की शादी बोलते हैं। तो शंकर भगवान का महादेव का है, पोठिया का है, उसका नंदी बोलता है, तो उसमें महादेव खुद राजी होता है, तो उसमें क्या प्रसन्न होता है महादेव भगवान। तो मेरा खुद अंदर से मेरा महादेव को कृपा हुआ, तो इसके लिए मेरे केड़ा केड़ी की शादी हुआ। तो विवाह वाला है वो कश्मीर में से आया है और जान वाला है महाराष्ट्र में से आया है। इसके लिए मेरे को सब लोग सदगुरु की कृपा से और मैया से कृपा से इतना मेरे को उधर ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एमपी में महेश्वर में अहिल्या माँ की परम भूमि है कि अहिल्या माँ हो गया, परशुराम हो गया उधर ही। तो मेरे को ऐसे हुआ केड़ा केड़ी की शादी करने का है। इसके लिए सब अभी हमारा सब समाज लोग है, सब भक्त लोग है, इसके लिए अभी सब हमारा गुरु महाराज भी है, सब माता जी भी है, सब साधु संत है, सब मिल के आया है। तो केड़ा केड़ी की शादी करके बाद में मैं गुजरात चले जाऊंगा। मैं गुजरात रहता हूँ, उधर आश्रम भी है। तो बाद में यहाँ पर शादी में कितने लोग लगभग आए हैं? लगभग तो अभी तो 2000 जितने 2000-3000 हो जाती संख्या है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह से है? नहीं, गुजरात से भी आया, महाराष्ट्र में भी आया और मध्य प्रदेश का भी है। तो जहाँ से मामेरा आया है, जजमान का नाम बताएं? जजमान का नाम रमसोड़ भाई है। बारात आई है महाराष्ट्र में से, आई है सिलपुर सोपड़े से आई है, वो भी सब लोग उधर से महाराष्ट्र में। जजमान सब लोग है, विभा भाई भी है और सब मालधारी समाज है उसमें सब है, वो आ जाता है वो। आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम लिखता है राणा भगत बोल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।